नमस्कार, स्वागत है आपका उज्जवल जम्मू न्यूज में और मैं हूँ अस्मिता। आइए आज के दिन भर की अहम खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्क्रीनिंग के दौरान एक जवान के सामान से ग्रेनेड बरामद किया गया। पुलिस ने जवान को हिरासत में ले लिया और पूछताछ जारी कर जानने की कोशिश की कि आखिर उसके पास से वह ग्रेनेड कहाँ से आया और उसको साथ रखने का उसका क्या उद्देश्य था। वह पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके में तैनात है और जानकारी के अनुसार सैनिक इंडिगो की फ्लाइट से श्रीनगर से दिल्ली होते हुए चेन्नई जा रहा था। वहीं आपको बता दें कि बारामूला में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के नार्को टेररिज्म मॉड्यूल के दो सदस्यों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उनके पास से 800 ग्राम हीरोइन, एसॉल्ट राइफल की एक मैगजीन व 15 कारतूस के अलावा एक ग्रेनेड भी बरामद किया गया। उन्होंने अपने हथियारों को वाहन की स्टेपनी में छिपाया हुआ था। इसी बीच श्रीनगर स्थित सेना की 15वीं कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीवी पांडे ने कहा कि स्थानीय आतंकवादियों की संख्या में काफी कमी आई है, जिसके कारण विदेशी आतंकवादी अपने ठिकाने से बाहर निकलने के लिए मजबूर महसूस कर रहे हैं और इसीलिए वे उजागर हो रहे हैं और हम देर से उनके साथ संपर्क स्थापित करने में सक्षम है। आपको बता दें कि जम्मू शहर में 6 घंटे को बढ़ाकर 18 घंटे की बिजली आपूर्ति की जाएगी। अब रात के 12 बजे के बाद बिजली कटौती नहीं की जाएगी। लोगों को और परेशानियों का सामना न करना पड़े, उसके लिए पीडीडी विभाग ने नया शेड्यूल जारी किया है और पहले 15 से 18 घंटे तक का कट होता था, लेकिन इस बढ़ती गर्मी में बिजली की बढ़ती मांग को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई ने कहा कि विभिन्न संगठनों, संस्थानों और सरकारों द्वारा बिना टीकाकरण वाले लोगों पर लगाए गए प्रतिबंध अनुपातिक नहीं है और उन्होंने सुझाव दिया कि जब तक संख्या कम न हो, राज्य सरकार को इस तरह के प्रतिबंधों को हटाना चाहिए। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ईद उल फितर के पावन अवसर पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर रमजान के पवित्र महीने के दौरान उपवास और प्रार्थना की समाप्ति का प्रतीक है और सभी को एक दयालु, शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने आगे कहा कि यह शुभ दिन आपसी सद्भावना को मजबूत करने और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की समन्वित संस्कृति में एकता और गर्व की भावना भी पैदा करे। तो इसी बीच आप देखते रहिए उज्जवल जम्मू न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत।